द वे ही इंट्रोड्यूस मी टू द गेस्ट अराउंड, वन ऑफ द फाइनेस्ट, ऐसे से ऐसे आए लग रहा था कि पता नहीं मैंने आस पास मेरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मतलब सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल, ग्रेट एक्सप्लिसिट कंटेंट। दो लोग जिनसे मैं प्यार करता हूं क्योंकि दोनों निडर हैं, बिंदास हैं, ट्रेंड करते हैं वर्ल्ड नंबर वन पर, ट्रेंडिंग इनका दूसरा नाम है, इनका नाम तापसी और अमाल नहीं है, देयर नेम इज ट्रेंडर्स। ताली बजाइए ट्रेंडर्स के लिए। वो तो ठीक है, और एक लड़का जो हर एक को यही लाइन चेपता है वो है अपना वन एंड ओनली। आर वी लाइव? यस। नो। गलत हो गया, मैं तो था ही नहीं जब आप अंडर गार्मेंट्स, मैं तो अभी 27 साल का हूँ, छोटा बच्चा हूँ। You've also seen me in my diapers. ये सबको लाइन चेप चेप करते हैं। Shut your eyes if that is happening. I know. ये सबको लाइन चेप चेप को भूल चुका है कि कभी कभी जिन लोगों से बात करता है वो उससे उम्र में छोटे हो सकते हैं, उनको नहीं आइडिया होगा ये कैसा था इन डायपर्स, ये भूल जाता है कभी कभी। बताओ कौन यहाँ पे यंगेस्ट है, बोलो। नहीं नहीं, ये मेरी बड़ी बड़े हैं, बड़ी बहन। अच्छा सुनो ना, जब भी खूबसूरत लड़की को बड़ी बहन बोलता ना, ऐसे हो जाता है मेरे साथ यार। पर एक चीज मुझे बताओ अमाल, तुमने एक कॉमेंट कहा कि तुम नहा के नहीं आए हो। नहीं नहीं, वो मजाक था। हाँ, पर यानी यूजुअली ऐसा हो जाता है, बट आज मेरे को पता था मीटिंग। इलायची फ्लेवर, I love it. You just sprayed that in your mouth, so I don't know what is wrong. यार तुम दोनों जब बदला आता है ना, I feel it resembles both of you. क्योंकि तुम दोनों निडर हो, बिंदास हो, कोई कुछ भी बोले ना, दोनों ऐसे खड़े हो जाते हो और ऐसे कर देते हो सबको खाली। पता नहीं ये क्या, इतना जोश में लग रहा, डर लग रहा मुझे तेरे से, डर लग रहा मुझे तो। बदला सीक्वल है ये। पर बोलो, जब तुम लोग मिले थे, डोंट यू फील देयर इज वन कॉमन थिंग अबाउट बोथ ऑफ यू, कि अगर कोई कुछ भी बोले तुम लोग उनकी छुट्टी कर देते हो, बिकॉज यू स्टैंड, जो सच है वो सच है। आई लव रीडिंग, आई फॉलो हिम ऑन ट्विटर, आई लव रीडिंग हिज कमेंट्स ऑन ट्विटर। What comment? Did you read all the wrong, bad ones also? No, all good, bad, everything. I just love reading it. क्योंकि वो लगता है कि इंसान ने खुद लिखे हैं। तो सब खुद ही, मतलब कि कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिसका जो टेम्पलेट ट्वीट वाला होता ना, वो मामला नहीं है, मतलब खुद लिख रहा है, खुद अपना दिमाग बोल रहा है, गलत सही हर कोई, यार हम इंसान हैं, भगवान नहीं, गलतियां सब करते हैं और टेम्पर अच्छे बुरे सबके होते हैं, बट कितनों में हिम्मत होती है प्रेजेंट करने की जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बोल दिया, चलो गलत था, फाइनली मान लिया गलत भी था बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो वो करने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं, तो इसलिए मजा आता है इसको ट्वीट। और भाई हमारी जो दोस्त है तापसी, वो भी ऐसे ही है, डू यू रीड अ ट्वीट, जब ये सबको चॉप कर देती है, मैंने सब लोग सर झुका के रोते हैं। मैंने इनके लिए पोस्ट नोटिफिकेशंस ऑन रखे हैं ताकि ये जब हाय भी बोल दे तो मेरे को दिख जाए, क्योंकि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू नो हाउ आउटस्पोकन शी इज एंड हाउ रियल शी इज। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं हर चीज, लाइक वी मेट ड्यूरिंग आवर फर्स्ट सिंगल टुगेदर, तुम हो तो लगता, बट बोथ ऑफ यू वर सिंगल और यू वेंट ड्यूरिंग योर फर्स्ट सिंगल, मैंने सुना नहीं, आवर फर्स्ट सिंगल, आई डोंट नो अबाउट, आई आल्सो डोंट नो अबाउट दैट टाइम, आई वाज सिंगल, बट आवर फर्स्ट म्यूजिक वीडियो वाज विद साकिब, हम लोग ने एक सिंगल किया था, तुम हो तो लगता है, जो सॉन्ग बाय शान, एंड देयर मैं एक बता दो, ओके ये बता सकता हूं, अच्छा शी डजंट नो व्हाट आई एम सेइंग, आई आल्सो, आई सी, पता नहीं क्या बोले, पता है, हां बोल दे, सडनली सब लोग ये सब में आगे, अच्छा गाना लॉन्च है ये, वैसे क्या है, पार्टी करते हैं, गाना लॉन्च तो होते रहेगा, एंड सडनली एवरीवन स्टर्न्ड, आई वाज लाइक कि गाना ही तो लॉन्च हो रहा है, मतलब ऐसा इतना नर्वसनेस, क्या गाना हो गया शूट, हमारा अच्छा खासा गाना है जो आ जाएगा तो लोगों को पसंद आएगा ही, वो इतना स्ट्रेस में ऐसे बिल्डअप हो रखा है, जैसे अभी रिपोर्ट का आने वाली है, पता नहीं कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। पर भाई लाइफ शुड बी अ पार्टी, एंड हमेशा पार्टी जब फेंको, हम जैसे लोगों को बुलाया करो, हमको भी पार्टी अच्छी लगती है, वी डोंट नीड यू, अरे You need me, you love me. तुमने 5 बार बोला अमाल को ये। यार अच्छा ये बात हो रही, ये तुमने एक टर्मिनोलॉजी शुरू की है, सोशल मीडिया डिसऑर्डर, फोकट की पब्लिसिटी, ये लाइन तुमने सोशल मीडिया में किसके लिए बोला हुआ है डार्लिंग तापसी? बहुत लोगों के लिए यार, ये लोग ना बहुत बहुत ज्ञान चेपते हैं सोशल मीडिया पे, क्या वर्ड है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब मल्टी लेयर्ड बातें, और उसके बाद जब काम करने पे आए कोई, मतलब व्हेन यू हैव टू रियली प्रूव योर वर्ड्स,
वो तो तुम सब वही वाली हरकतें करोगे जिसका आधे लेयर से भी लेना देना नहीं है। तो इतनी मल्टीपल लेयर वाली बातें जब लोग लिखते हैं ना वहां पर, तो मुझे अब डायरेक्टली अटैक करूंगी तो बस वो मतलब नेशन वांट्स टू नो वाली अब बात हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बड़े सटल तरीके से वो सोशल मीडिया हैशटैग सोशल मीडिया डिसऑर्डर लिख दिया था कि सबको सोशल मीडिया पे ही सब गुरुजी बन जाते हैं, रियल लाइफ में कोई किसी को सब सबके सब मतलब ऐसे मतलब सिंगल लेयर्ड माइंड वाले हैं, फट्टू चंद होते हैं। हाँ बहुत सारे वर्ड्स बोल सकती थी मैं, उनको एडिट हो जाएंगे, इससे फायदा नहीं बोलने का। तू मुझे बता अभी भाई तू सुधर गया है, क्योंकि डब्बू तुम्हारा जो मेरा बचपन का दोस्त है तुम्हारा पिताजी, वो मुझे बारे में बोल रहा था कि यू नो मेरा बेटा सब चीज बोल देता है, फेयरलेस है, कभी कभी उसको रोकना पड़ता है। हैव यू स्टार्टेड होल्डिंग योरसेल्फ बैक? आई डोंट होल्ड माई सेल्फ बैक, मेरे से होगा नहीं, थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करता तो थोड़ी अरमान को, डैड को और मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है, एंड क्योंकि अभी टाइम लग रहा है ना लोगों टू नो कि डैड और मॉम भी सोशल मीडिया पे हैं। हाँ खेल कर रहे हैं उन लोग तो, जब से हम है तब से वो सोशल मीडिया पे। कभी क्या हो जाता, देखो मैंने दाढ़ी क्यों रखी है ताकि सबको पता चले मैं अमल हूँ, वो अरमान है पहले। क्योंकि क्या हो जाता है, व्हेन आई डिड सम पोस्ट कुछ तो बोल दिया था अरमान को, चाहो क्या पोस्ट लिखा अपने भाई अवार्ड्स के अगेंस्ट, तो नहीं लिखा मैंने, मैंने नहीं किया है। फिर मेरे को क्या के बोलता, क्या गाया तूने मैं हूं हीरो तेरा, मैं खुश हो जाता हां हां मैं ही हूं, मेरे को दे दो शो अपना नेक्स्ट। अब तक इट ऑब्वियस नहीं हो गया, इट्स अरमान इज द वन हु इज द मोर लाइक द मोस्ट। आज ऑलमोस्ट कुछ हुआ था जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, बट पीपल बाय नाउ शुड नो कि कुछ फायरी सा आया है तो वो अमाल से ही आया होगा। अरमान इज नॉट, अरमान इज द सटल, ही नोज पॉलिटिकली करेक्ट, स्मार्ट है वो, 50 साल का इधर से, मैं 21 हूँ अभी भी, 27-28 पहुंच रहा हूँ, बट इधर से I'm still 19-20, you know you're just like me, you know I'm physically 21 but mentally I'm 18, so I can relate to you that brother. You are 21 plus 18 square. So, actually rectangle. दोस्तों ये जलते हैं ये यंग पर्सनालिटी से, बोथ ऑफ देम आर जेलस, इनकी आंखों में ग्रीन है, देखो दे कांट स्टैंड अ होस्ट लाइक मी लुकिंग सो गुडली। मेरे ग्रीन मेरी आंखें नहीं है, मेरी बहन की आंखें ग्रीन है, क्या बात कर रहे हो यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार। पहली बार कोई मिला है सिद्धार्थ कानन को पंगा लेने के लिए और वहां भी हार गए। अच्छा मुझे बताओ शाहरुख से वाइल यू आर शूटिंग मुलाकात हुई कि नहीं, शाहरुख आए? नहीं क्यों यार ऐसे नहीं, व्हाई डिडंट यू कम? आफ्टर आई नो बट आफ्टर द फिल्म गॉट डन देन आई मेट हिम, उनकी दिवाली पार्टी थी जो उनके घर पे, एंड एट दैट टाइम द वे ही इंट्रोड्यूस मी टू द गेस्ट अराउंड फाइननेस, ऐसे से ऐसे आया लग रहा था कि पता नहीं मैंने आस पास है मेरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मतलब द वे ही मेक्स यू फील दैट यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अराउंड इज हिज ट्रेडमार्क। And he did see the film, I've heard, and people told me what he felt, but I really want to hear unke muh se khud, so main wait karungi kab unse milungi, so he can tell me that how did he like it. Shahrukh, mere bade bhai, please comment bolna, when I'll take you to Mannat, when I hang out with him, tum chalna, I'll make you meet him face to face, and we'll talk about this. He will talk to you and tell you the feedback face to face. YouTube channel band na ho jaye, main bata raha hoon. You know, in the movie Badla, Naina's life turns upside down. Have you ever in life experienced a moment like that too, both of you, where life turned upside down? One moment puch raha hai. हमारी जिंदगी में 100, आई थिंक हर दिन में 10 बार तो ऐसा होता ही है। कभी सुबह के आज मैंने कुछ बोल दिया क्या, एक तो मेरे को सुबह उठते सारी अगर मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए ना तो मेरे को स्ट्रेस हो जाता है कि मैंने कुछ बोल दिया है क्या आज या कुछ कि सुबह मैं हमेशा ट्विटर पे बहुत सारे अगर वेरीफाइड नोटिफिकेशन, मैंने कहा आज क्या हो गया, आज मैंने कहीं कुछ बोल दिया, कुछ पहुंच गया, बहुत ये ऐसे अपसाइड डाउन अपसाइड वापस सीधा टेढ़ा मेढ़ा सब एंगल्स मैंने एक्सपीरियंस कर रखे हैं। और तुमने मेरे लाल मेरे दुलारे आज वाइट हो पर ठीक है। तुम्हारे साथ भी यही होती है अपसाइड डाउन लाइफ हर मिनट? आई थिंक जिस दिन मेरे को व्हाट्सएप पे 110 नोटिफिकेशन, यूजुअली हर दिन 30 आते हैं, जिस दिन 110 नोटिफिकेशंस आ गए और ट्विटर टूट गया है तो फिर कुछ तो हो गया है कि मैंने गलत हेडलाइन दे दी है कहीं, कि मैं कुछ बोलता हूँ उसका ऑलवेज मिसइंटरप्रेट होता है, लोगों को मजा आता है कि मैं यू नो जस्ट कुछ किया, अमल तो बोलेगा ही, ये बिलीफ है कि कुछ गलत कुछ अगेंस्ट किसी के तो बोलना ही, उसको हेडलाइन बना दो, ये कर दो वो कर दो, तो मेरा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ हो गया, बट आई थिंक मैं सही चीज के लिए बोलता हूँ। तो अपसाइड डाउन लाइफ तो सिर्फ तभी होती है, जैसे आज सुबह यानी गाना रिलीज से पहले आई आस्क्ड फॉर लाइक अनलिस्टेड लिंक, मैं मांगता टू चेक कि ऑडियो सही है, स्टीरियो सही है, सब कुछ वीडियो सिंक है, और उन लोग ने मेरे को भेजा वो खुल रहा है नहीं है, खुल रहा है नहीं है, तो तभी मेरी लाइफ पूरी घूम गया। सर पहला गाना था सी वन फोर सॉन्ग था अमिताभ बच्चन, इन लोग क्या कर रहे हैं, विल आई गेट द सॉन्ग राइट, क्या यानी ऑल दोज थिंग्स लाइक व्हेन आई एम क्लोज टू रिलीज माई लाइफ इज कम्प्लीटली अपसाइड डाउन, इट्स आफ्टर अ ईयर आई एम डूइंग अ फिल्म। ताली बजाओ मेरे दोस्त के लिए, I love you brother, I've always looked up to you, 15 साल बड़े हो and I've always looked at you as an inspiration brother.
दिल से थैंक यू डैड. थैंक यू डैड. अभी तक तुम स्पर्म से ऊपर नहीं उठे क्या? 15 साल बड़े हो मतलब.